टोटल थ्री नेक्सॉन ईवी चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्सॉन के ऊपर के कौन सी वाली कार आपको ज्यादा अच्छी लग रही है। आइए तो चलिए दोस्त, फाइनली गाड़ी का हो गया लॉन्च और ये कार है हमारी नेक्सॉन। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस कार के ऊपर कि गाड़ी कैसी है और कितना वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है ये। मैंने आपको नेक्सॉन ईवी दिखाई थी, बहुत डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं, इसकी ड्राइव आपको दिखाई थी। अगर वीडियो आप लोगों से मिस हुआ है तो ज़रूर जाइए लिंक के ऊपर, देखिए वहाँ पर जहाँ पर मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस गाड़ी को खरीदें या ना खरीदें हर एक पॉइंट को। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके पेट्रोल वेरियंट के बारे में और आपको मैं बताऊँगी यहाँ पर क्लियरली कि इस गाड़ी के ऊपर आप पैसा खर्च करेंगे या फिर आप इस गाड़ी को छोड़ के दूसरी गाड़ी की तरफ मूव करेंगे। चलिए इंटीरियर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले जो मेन चीज़ आपका अट्रैक्शन ग्रैब करने वाली है वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो आपका फुल ऑन डिजिटल है। ग्राफिक डिस्प्ले बहुत अमेजिंग आपको लगने वाला है, बहुत अच्छा खासा रेजोल्यूशन है, बहुत कलरफुल सा डिस्प्ले दिया गया है, बहुत मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत अच्छा लगा और कार के अंदर ये प्रीमियमनेस को ऐड कर रहा है। और जो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी के कितना आपका फ्यूल बचा है, रीफ्यूल कराने के लिए आपको बता रहा है वो कितनी आपकी स्पीड है, कितना आपका RPM है, बैटरी का क्या स्टेटस है, ये सारी चीज़ें आपको नीचे क्लियरली शो हो रही हैं। मूव करेंगे हम इंफोटेनमेंट की तरफ। इससे लोअर वेरिएंट में आप जाएंगे तो हमें पहले वाला ही मिलने वाला जैसा आपको नेक्सॉन में मिलता है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज किया गया, थोड़ा अच्छा ये इसका प्रोफाइल आपको लगने वाला है। अगर हम ईवी की तरफ जाते हैं नेक्सॉन में तो इसको काफ़ी उसमें बड़ा किया गया जो ऑलरेडी आपको मैं दिखा चुकी हूँ। बाकी आप स्टेयरिंग पे जो चीज़ नोटिस करेंगे वो है आपका नंबर वन इल्यूमिनेटिंग टाटा का लोगो और ये आपको ऐसा इल्यूजन देगा कि ये स्क्रीन है बट इट इज़ नॉट और बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। ब्लैक पियानो फिनिश की जो ये ब्रॉड सी स्ट्रिप यहाँ पर यूज़ की गई है अलॉन्ग विद कंट्रोल्स, ये बहुत ही ज़्यादा क्लासी आपको लगने वाली है। फ़ोन आप ऑपरेट कर सकते हैं, वॉइस कमांड आप यहाँ पर दे सकते हैं। वॉइस कमांड में यहाँ पर काफ़ी सारी लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है, इनफैक्ट जो आपका सनरूफ है ये भी आपका वॉइस इनेबल्ड है। बाकी आपको यहाँ पर क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। नीचे के साइड में अगर हम लोग कंट्रोल्स की बात करें तो जो आपका स्टीयरिंग है वो आपका टिल्ट और सिर्फ टिल्ट ही है, टेलीस्कोपिक नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ भी आपका टेंशन ग्रैब करेगी, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट ये स्क्रीन की फॉर्म में आपको दिया गया है और ये सारे आपके टच हैं, टच पैनल के थ्रू आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ईजी एंड माइंड ब्लोइंग है। एंड डेफिनेटली इस बजट की कार्स में आपको ऐसी चीज़ें नहीं ऑफर की जाती। और ये जो पूरा कंट्रोल बार है इसको टाटा ने नाम दिया है फिजिटल, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जैसे मैंने बताया कुछ चीज़ें डिजिटल हैं जो आप सिंपल टच के थ्रू ऑपरेट करेंगे और कुछ कंट्रोल्स आपको फिजिकल नॉब्स की हेल्प से करने हैं, जैसे कि आप अपनी एयर फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से अपना टेम्परेचर को कर सकते हैं। ये कार आपको ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों के साथ मिलती है। 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन का यहाँ पे यूज़ किया गया है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ भी गाड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपको देती है। मतलब दोनों में ड्राइव वाइज अगर मैं बात करूँ तो आपको गाड़ी को चलाने में मज़ा आएगा, अगर प्लान करें तो एक बार चला के ज़रूर देखिएगा। नीचे के साइड में हमारे पास 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, ये आपके पास USB पोर्ट है, टाइप सी पोर्ट यहाँ पे दिया गया है और जो ये आपका ये टाइप सी पोर्ट है ये आपका फास्ट चार्जिंग पोर्ट है। ड्राइविंग मोड्स की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3 ड्राइव मोड्स हैं, सिटी, ईको एंड स्पोर्ट। यहाँ पर आपको फिजिकल हैंड ब्रेक दिया गया है, वायरलेस चार्जर आपको यहाँ पर दिया गया है, छोटी सी आपको जगह दी गई है। ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ पे कि टाइप सी पोर्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यस स्पेस
ठीक ठाक है यार, छोटा मोटा कुछ सामान आप रख सकते हैं। ओवरऑल डैशबोर्ड प्रोफाइल की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए डैशबोर्ड आपको काफ़ी ज़्यादा, मैंने बोला, प्रीमियम सा फील दे रहा है, जिसका रीज़न बहुत सारी चीज़ें हैं। नंबर वन है इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नंबर टू है इसका स्मार्ट सा इंफोटेनमेंट सिस्टम, और उससे भी इंपॉर्टेंट आपको नीचे का ये फिजिटल कंट्रोल बार लगने वाला है जो बहुत अमेजिंग है। इनफैक्ट स्टेयरिंग के ऊपर भी जो ये आपको बार दिया गया है, ये भी बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल अपील दे रहा है कार को। कार आपको सनरूफ ऑफर करती है, इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM है आपके पास। ड्राइव मोड्स में आपके पास तीन ड्राइव मोड्स हैं, सिटी, इको एंड स्पोर्ट। तो ये आपकी चॉइस है, आप किस ड्राइव मोड में कार को एंजॉय करेंगे। इस पर्टिकुलर कार का जो इंटीरियर है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये थोड़ा सा पर्पल कलर की साइड जा रहा है, और ये कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन जो ब्लैक कलर में अलग अलग टेक्सचर का यूज़ किया गया, वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है अलॉन्ग विद दिस ब्लैक पियानो फिनिश। और इन टोटल गाड़ी के लुक्स की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जैसे आपको नेक्सॉन पहले पसंद थी, इस बार आपका दिल जीतने वाली है गाड़ी, डेफिनेटली। डोर पैनल की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका लेदर का यूज़ है, ऊपर में आपको ब्लैक में टेक्सचर का यूज़ दिखाई देगा, ब्लैक पियानो फिनिश का भी कुछ यूज़ किया गया है। ये आपका स्पीकर है, ये ट्विटर है, और एज सच यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया था ईवी के अंदर हरमन का म्यूज़िक सिस्टम यूज़ किया गया है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरियंट लेंगे। बैक साइड में अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर भी सिटिंग काफ़ी कम्फर्टेबल है, यहाँ पर फैब्रिक का यूज़ किया गया है। टॉप वेरिएंट की तरफ जाएंगे, देखिए अलग अलग बहुत सारे वेरिएंट ऑफर करता है टाटा, आपके पास भरमार है, आप क्या चीज़ लेना चाहते हैं, आप लेदर अपहोल्स्ट्री की तरफ जाएंगे, आप फैब्रिक अपहोल्स्ट्री की तरफ जाएंगे, वो आपके पास चॉइस है। डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑप्शंस आपके पास हैं, ये पर्टिकुलर पर्पल आपका फैब्रिक में है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्लासी लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। सेंटर में हैंड रेस्ट में आपको कप होल्डर्स दिए गए हैं, यहाँ पर एसी वेंट्स हैं, उसके नीचे यूएसबी पोर्ट एंड टाइप सी पोर्ट, और अगेन यहाँ पर जो टाइप सी पोर्ट है आपका फास्ट चार्जर है। अगर हम इसके बूट स्पेस की बात करते हैं तो देखिए बहुत अच्छा खासा बूट स्पेस आपको यहाँ पर ऑफर किया गया है। नीचे के साइड में हमारा स्पेयर टायर है, और ये आपका फुल साइज़ टायर है, एंड इट इज़ विदाउट अलॉयज। आपको यहाँ पे पार्सल ट्रे भी दी जाती है जो अच्छा खासा वेट आपका ले लेगी, बट बहुत ज़्यादा अच्छा खासा नहीं, ठीक ठीक वेट आप यहाँ पे रख सकते हैं। डोर की बात करते हैं तो आपका जो टेल गेट है ये आपका मैनुअल ओपनिंग एंड क्लोजिंग के साथ आता है। लाइट बार बहुत स्मार्ट यहाँ पर लिए गए हैं, कनेक्टेड टेल लैम्प स्ट्रक्चर का यहाँ पर यूज़ किया गया जो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। टाटा की बैजिंग आपको मिल जाती है, उसके जस्ट नीचे हमारा रिवर्स कैमरा प्लेस किया गया है, और उसके नीचे हमारे पास पार्किंग सेंसर्स हैं। इन टोटल बैक प्रोफाइल डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो बैक कार का आपको बहुत पसंद आने वाला है, कोई भी चीज़ यहाँ पे मिस आउट नहीं की गई है, चाहे हम लोग बात करें शार्क फिन एंटीना की, चाहे हम बात करें रूफ रेल्स की, या फिर डिफॉगर की, रिवर्स कैमरा की, हर चीज़ आपको मिलने वाली है और बहुत ही ज़्यादा गाड़ी खूबसूरत लगेगी आपको। साइड में हम मूव करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट इसके अलॉयज़ दिखाई देने वाले हैं, और ये जो अलॉयज़ का डिज़ाइन है ये सेम डिज़ाइनिंग आपका ईवी के अंदर यूज़ किया जाता है, और वो गाड़ी बहुत फ्यूचरिस्टिक लगती है, उसका एक मेन रीज़न ये भी है। तो यहाँ पर भी इन्होंने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, इसको भी बहुत ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश की गई है, और ये सेम अलॉयज़ आपको यहाँ दे दिए गए हैं। इन अलॉयज़ के अंदर खासियत है, नंबर वन, एक तो ये एरोडायनामिक्स को सपोर्ट करता है, नंबर टू यहाँ पर ये है कि ये फुल ऑन आपका मेटल के अंदर नहीं है, कुछ पार्ट जो आपको ये इस टाइप का दिखाई दे रहा है ये आपका प्लास्टिक में लिया गया है, ताकि जो ओवरऑल वेट है वो आपका रिड्यूस हो जाए और गाड़ी आपको बेटर परफॉर्मेंस दे। इसका फ्यूल टैंक आपको पैसेंजर साइड पे दिया गया है, ये कार आपको पेट्रोल एंड डीजल दोनों में मिलने वाली है। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की अगर बात करें तो 44 लीटर का फ्यूल टैंक आपके पास है। गाड़ी को अगर आप पेट्रोल में खरीदेंगे तो आपको माइलेज मिलती है अराउंड 15, और अगर आप जाएंगे डीजल में तो वहाँ पर ये बढ़ के हो जाएगी आपके अराउंड 20। ट्रांसमिशन की भी अगर बात करते हैं तो आपको तीन टाइप के ट्रांसमिशन ऑफर किए जाते हैं। एक है हमारा मैनुअल ट्रांसमिशन जो अभी आपको मैंने अंदर दिखाया, दूसरा हमारा है AMT, और तीसरा हमारा न्यू एडिशन है नेक्सॉन के अंदर, दैट इज़ DCA, जो आपको पहले एल्ट्रॉस के अंदर भी मिलता था और अभी भी मिलता है। कार के डायमेंशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो डायमेंशन आपको ऑफर की जाती है, ये सब 4 मीटर व्हीकल है आपका, 3.9 मीटर इस कार की लेंथ है। इस कार की ब्रॉडनेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो है आपकी 1.8। इस कार की जो हाइट है वो है आपकी 1.6 मीटर्स। व्हील बेस जो आपको ऑफर किया जाता है वो है आपका 2.5 मीटर्स, और जो यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है दैट इज़ 208 mm। चलिए अब फाइनली बात करते हैं कार के फ्रंट प्रोफाइल की, जिसने आई थिंक हर किसी को इम्प्रेस किया है। गाड़ी बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रही है, नेक्सॉन को पहले भी लोग बहुत पसंद करते थे, लेकिन इस बार मेरी भी पर्सनल फेवरेट बनी है, मुझे बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगी है। अगर आपने ईवी का वीडियो नहीं देखा ना तो आपको फिर से मैं बोल रही हूँ, ईवी ज़रूर देखिएगा इनकी, ये तो है ही अच्छी, लेकिन इस बार जो ईवी है ना वो खरीदने लायक प्रोडक्ट है। यहाँ पर इसके फ्रंट प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपको देने वाला है इसका ये जो LED DRL स्ट्रक्चर है। उसके जस्ट नीचे हमारा कॉर्नरिंग लैंप एंड फॉग लैंप है।
यहाँ पर आपको जो फ्रंट में ब्लैक पियानो फिनिश मिल रही है बहुत अट्रैक्शन देगी। ईवी से कई चीजों में गाड़ी अलग आपको लगेगी। ईवी के अंदर आपको फ्रंट में फुल ऑन एलईडी डीआरएल दिया गया है, यहाँ पे वो चीज नहीं है। और वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जो एलईडी बार दिया गया उसका पर्पज है कि अगर आप चाहते हैं बाहर से ही कार की चार्जिंग को देखना तो आप बाहर से देख सकते हैं, ना आपको फोन में चेक करने की जरूरत है ना आपको मीटर को चेक करने की जरूरत है। जस्ट उसके नीचे मूव करते हैं तो आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरा मिल जाता है, पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, और जो लोअर बम्पर पार्ट है वो आपका है कुछ ऐसा जो इन टोटल कार को काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बनाता है। गाड़ी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। इस बजट में अगर आप कार को देख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो ज़रूर देखिएगा। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन इस बार बहुत ज़्यादा नेक्सॉन ईवी के लिए है, जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ईवी को ट्राई जरूर देना, बहुत अच्छी भैया रेंज वेंज सब दे रही है, जबरदस्त कार बनाई गई है।